सिडनी में एरियाज में जाने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। अब वो प्रॉब्लम क्या हुई है वो सुनना, ये कि GoPro की किट, मतलब बाइक का मैंने वो देखा नहीं, उसके ऊपर मतलब जो डंडी होती है ना छोटी सी, मतलब जिसपे लग जाता होता है वो GoPro, कैसा समझो वो बहुत छोटी है यार, वो इतनी छोटी है कि कैमरा नहीं लगा। अब मैं टेंशन में पड़ गया कि अब वो GoPro से बनाएंगे कैसे, अब ड्राइव कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। बट एक जुगाड़ मिल गया, जुगाड़ ये मिला, हम गाड़ी बुक करा लेंगे, गाड़ी में दिखा देंगे, तुम गाड़ी की तो सारी किट है उसमें। अभी तैयार होने जाता हूँ, पुलिया वगैरह चेंज करता हूँ, अभी पागल पागल लग रहा हूँ भाई इस टाइम में। वीडियो शुरू करने से पहले पहले लाइक करो, कमेंट करो, पहले तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो अभी, उस डंडी पे, उस लाल बटन पे धक्को, इंटे मारो, पत्थर मारो, डंडे मारो, तोड़ दो, जो करना करो, लेकिन सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 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 अपना चैनल 5000 सब्सक्राइबर से ऊपर चला गया तो प्रैंक वीडियो बनाएंगे, प्रैंक वीडियो बनाते हैं। अगर 10000 चल गया, ओ भाई साहब ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर 10000 सब्सक्राइबर चल गए भाई, मैं एयरप्लेन से स्काई डाइविंग कर देंगे, डर लगता है, कर देंगे। चंगा फिर वीडियो शुरू करते हैं। चलो चिट्ठी आई है, ओ हो हो, हंसांडा दे नाम ते चिट्ठी, कड़ी चिट्ठी आवे, डेबिट कार्ड आ गया, मतलब हर जब एक्सपायर होने वाला होता है ये बैंक अपने आप आपके घर पे भेज देता है। दिखा नहीं पा रहा था कि गाड़ी कैसे बुक करते हैं, दिखाई तो थी वैसे, आज थोड़ी रोशनी है, डे लाइट है तो बढ़िया तरह दिखेगी। जो भी सिटी में रहते हैं, जो भी सिटी में रहना चाहते हैं, मतलब उनको गाड़ी की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, उनकी गाड़ी यहाँ पे बहुत चीप रेट पे मतलब बुक हो जाती है, राधा बहन के इतने पार्किंग का फिक्र करो, ये वो, इतनी तो पार्किंग इतनी महंगी है ना, मतलब कह लो कि आधे राशन के प्राइस होते हैं, इतनी पार्किंग पड़ जाती तुम्हें अगर तुम, बहुत चल रही है ऑडियो आने दे, चलो करते हैं शुरू। वो क्या किश्ती जा रही है, यहाँ पे लोग बोर्ड लेके घूमते होते हैं, मस्ती करते हैं सारे। जो सिटी में परमानेंटली जिनकी लीज वगैरह होती है ना, उनको ऐसा परमिट मिल जाता है सिटी ऑफ सिडनी से, जैसे परमिट वगैरह मिल जाता तो वो बढ़िया रह जाते हैं, तो वो मतलब पूरे एरिया में फ्री पार्किंग कर सकते हैं, उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता। सारे सोच रहे होने की गड्डी की बुकिंग करा ली है, बैठा क्यों नहीं अंदर, अभी हुए 3:52, गाड़ी में बुकिंग 4 बजे शुरू होनी है, तो मतलब 3:55 तक बैठ सकते हैं, अभी नहीं बैठ सकते, अगर बैठे फिर थोड़ा फाइन पै जाना। गड्डी मैनू की देखनी है, लोग ना रहे हैं, और बुकिंग शुरू हो गई है, इन्हें अंदर बैठेंगे, इन्हें इतने रख देने, पहली बार है GoPro को कि मैं गाड़ी में बैठ के कंट्रोल कर रहा हूँ, मैंने आगे कभी भी अपनी जिंदगी में GoPro को कभी कंट्रोल नहीं किया ऐसे। बट आज हम जाएंगे सबसे पहले उस एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस एरिया वगैरह के पास मैं रहता हूँ, उस एरिया का नाम है ग्लीब, ग्लीब। अब आप ग्लीब कह रहे होंगे, ग्लीब ग्लीब ये स्पेल कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं GLEBE। तो ग्लीब ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब डार्लिंग हार्बर का भी एक्सेस हो जाता है थोड़ा बहुत। अभी चलना आंटी, हाँ। तो ग्लीब में जिन्होंने भी UWS यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, UWS के बोल रहा हूँ, यूसिड यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी वगैरह, इनमें आना है तो वो आ सकते हैं यहाँ पे ग्लीब में, और ब्रॉडवे के पास, ब्रॉडवे यहाँ पे इसको टर्म को सर्च कर लेना, ब्रॉडवे के पास वो रह सकते हैं। मैं इस एरिया में रहता हूँ, मैं रहता हूँ पियरमोंट में, पियरमोंट से डायरेक्ट एक्सेस है डार्लिंग हार्बर वगैरह का, तो अभी पहले ग्लीब वगैरह में लेके चलते हैं एंड सारी वहां पे रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो इसको कहते हैं अभी ग्लीब, ग्लीब का एरिया है भाई साहब ये। अब अगर जुगाड़ तुम्हारा लग जाता तो यहाँ पे थोड़ा चीपर घर भी मिल सकता है, अराउंड 200 की तरफ रेंट घूमता तुम्हारा यहाँ पे, हाँ 200-250 की तरफ रेंट तुम्हारा घूमता है, अगर अगर तुम सिर्फ रेंट पे ले रहे हो, अगर लीज नहीं ले रहे हो। लीज और रेंट में फर्क होता है भाई, तो तुम्हें मार्केट वगैरह दिखाते हैं ग्लीब की। स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी है क्योंकि आगे जहां से रोड खत्म होती है
वहाँ पे तुम्हारी कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, बिल्कुल तुम्हारी आगे से यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है। और ये रख लो भाई, ये ऐसी बसेस होती हैं, हर एक तरफ स्टॉप लगा होता है, तो बस के पीछे अभी रुकना पड़ेगा। कैमरा में मतलब बहुत दूर लग रही है, बट है बस बहुत पास में। अच्छा अब ये रखो, ये पेडेस्ट्रियन वॉक आई, अभी यहाँ पे जहाँ पे भी जाते हैं पेडेस्ट्रियन को पहले वॉक करने देना होता है भाई, जहाँ भी मर्जी आए पहले बंदा वॉक करेगा उसके बाद हम जाएंगे, रूल है। यहाँ से भी सामने से भी बात आ रही है, तो और पेडेस्ट्रियन वॉकिंग आ गई, यहाँ से निकलेंगे बंदे। भाई तू चार तो नहीं जा रहा मजे। तो भाई ये मतलब ग्लीब मार्केट है। ओ भाई थार, अरे थार कौन लेके आ गया? ओ भाई साहब मजे आते होंगे भाई ये तो चलाने में। यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, तो भाई ये आ गई तुम्हारी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। अंदर ले कर तो ग्लीब का इलाका, ब्रॉडवे का इलाका, पियरमोंट वगैरह, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में बढ़िया रहता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में मेरा आने का प्लान तो था नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मैं चलो आ गया। फॉरवर्ड लगती है पूरी यूनिवर्सिटी, मतलब है बढ़िया यूनिवर्सिटी है उनके लिए, बड़ा मतलब जिनके लिए बिजनेस वगैरह करना है या फिर ये करना है, तो उनके लिए बढ़िया यूनिवर्सिटी है ये। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी मतलब ये, अंदर गाड़ी वगैरह चला लो। तीनों आप रिवर्स कर लेंगे भाई, जाना कहीं पे और था आ कहीं और गए। मुझे लगता है ये गंदा है अपना, ग्लाव कर लेना चाहिए था भाई पहले। तो ये है सिटी ऑफ सिडनी का कैंपस, यहाँ पे सिटी ऑफ सिडनी से बाहर निकल जाएंगे। ऊपर वाले एरियाज में जाना है जहाँ पे स्टूडेंट्स को इजी रेंट मतलब चीप रेंट जहाँ पे मिलता है, मैं उस एरिया में अभी ड्राइव करने लगा हूँ। तो मैंने यही बताना था कि ग्लीब, पेयरमोंट, ब्रॉडवे, सरी हिल्स, न्यू टाउन, ये सारे ऐसे एरिया हैं जो मतलब 200-250 की रेंज में पड़ते हैं, 180 या फिर 170 का भी पहुंच सकता है तुम्हारा अच्छा जुगाड़ हो तो। तो ये अच्छे एरिया उनके लिए जिनकी यूनिवर्सिटी सिटी वगैरह में है, मकवारी वालों के लिए नहीं, ये उनके लिए बढ़िया है। तो अभी हम वो वाले एरिया में जाएंगे जहाँ पे वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी लोग जो सस्ता घर लेना चाहते हैं या फिर कोई बढ़िया जिसमें रूम अच्छा मिल जाता है, या फिर जो बंदे माइंड नहीं करते ट्रैवल करना, जैसे 15 मिनट 20 मिनट ट्रैवलिंग वगैरह में तुम्हारा लग सकता है, उस एरिया में अभी जाएंगे। अबे यार मैं तो ये भूल ही गया अभी इस टाइम पे पीक आवर है। अरे भाई अब मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरी बैटरी बस ना खत्म हो जाए फोन की, और भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड अप कर रहे हैं एनजैक ब्रिज की तरफ, एनजैक ब्रिज वो है, ये इसको कह सकते हैं सस्ता हार्बर ब्रिज है भाई। अभी हमने आधा रास्ता भी, आधा व्लॉग भी नहीं पूरा किया और इसकी बैटरी कम हो रही है, 25% भी पूरा नहीं हुआ और इसकी बैटरी खत्म हो रही है। तो अभी पेट्रोल स्टेशन भी जाएंगे क्योंकि मुझे कोई सामान लेना है, खाने पीने के लिए भी लेना क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं। भाई ये क्या सीन है यार, ले लेते हैं बाद में खाएंगे फिर। मैं तो ये जो सारी रोड अभी तुम देख रहे हो जहाँ से पीछे से आ रहे थे, ये सारी है विक्टोरिया रोड, ये ही जाती है आगे वेस्टर्न सबर्ब्स को, जो भी सारे सबर्ब है वहाँ पे जाती है। इस रोड से इजी एक्सेस है, इजी एक्सेस है हर एक सबर्ब का, पैरामेटा का, पैरामेटा सीबीडी का और ब्लैक टाउन, जो भी यहाँ पे जो सस्ते वगैरह एरिया जो स्टूडेंट को पड़ जाते हैं यहाँ पे बढ़िया एक्सेस हो जाता है और अच्छा एरिया मतलब अच्छी रोड है, वे अच्छा पड़ जाता है।
ओ भाई लकी हो गया मैं, इसकी बैटरी थी भाई। दूसरे एरिया में चलते हैं, पैरामीटर वगैरह में जाके। अब मैं ज्यादा रोड का ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, हल्के हल्के टाइम पे बनाऊंगा, मेनली हम पैरामीटर में जाके कवर अप करेंगे। चल चंगा फिर। देख रहे हो कि कितना सारा यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है। अगर यही मैं अभी बाइक पे होता ना, ये देख रहे हो बस निकल रही है, बस की लेन में मैं अभी बाइक पे होता तो मैं चला सकता था, क्योंकि बाइक्स को, मोटरसाइकिल्स को और साइकिल्स को अलाउड है बस लेन में चलाना। इस साइड से शू करके निकल जाता भाई यार। अभी एरिया में मैं ड्राइव कर रहा था, उस एरिया का नाम है राइड, या भी राइड तो मैं दिख रहा होगा साइड पे बोर्ड के ऊपर, क्लब राइड वगैरह। तो राइड अपना एक बढ़िया एरिया है जो सिटी के बस थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है सिटी से, मतलब 10 या 15 मिनट ही लगते हैं। बढ़िया एरिया है, जहाँ पे भी घर सस्ते होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जो भी तुम बिल्डिंग वगैरह देख रहे हो, 80-190 की रेंज वगैरह शुरू हो जाती है पर्सनल रूम की, मतलब बढ़िया अच्छे रूम मिल जाते हैं। बाइक वाला आराम से निकल गया और मैं मतलब यहाँ पे फंस जाता हूँ। इसी रीजन करके मैं सिटी में अपने लिए गाड़ी नहीं रखता। एक बहुत बड़ा रीजन है, वो तो मैं अभी मैंने दिखाई दिया। तो यार अभी अंधेरा हो रहा थोड़ा, बट मैं ट्राई करूँ कि जल्दी जल्दी से ब्लॉग कंप्लीट कर दूं अपना। इस एरिया का नाम है कार्लिंगफोर्ड भाई। कार्लिंगफोर्ड में काफी सस्ते घर मिल जाते हैं। अब इस टाइम पे क्वालिटी थोड़ी बेटर आ रही होगी, क्योंकि गाड़ी का पता नहीं भाई यार इसमें अच्छा गंदा क्या पता नहीं कुछ है, बट ऐसे होते हैं घर कार्लिंगफोर्ड में, बढ़िया घर होते हैं। तो यहाँ पे ये पैरामीटर के एरिया वगैरह में पड़ जाता है, अच्छे घर यहाँ पे मिल जाते हैं। अंधेरा ना हो जाए, मेरा GoPro काम नहीं करेगा यार अंधेरे में इतना। यहाँ पे रेंट तुम्हारा वेरी करता है अराउंड लाइक 170-180 या फिर कहीं 160 के भी बढ़िया घर मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे घर में होते हैं। तुम इसको घर को लीज पे भी ले सकते हो, या फिर कोई फैमिली के साथ रह सकते हो, या रूम ले सकते हो। इस प्रोवाइडर के थ्रू करोगे, मार्केट प्लेस की तरफ से लेते हो, गमट्री की तरफ लेते हो, कार्लिंगफोर्ड ऐसा है। तो मेन सारे स्टूडेंट वगैरह पैरामीटर के एरिया की तरफ रहते हैं, वहाँ पे चीप घर वगैरह मिल जाते हैं, अच्छे घर मिल जाते हैं। कई स्टांसेस में लाइक पूरे घर का ही रेंट लाइक 400 या फिर 500 पर वीक होता है, बट अगर 3 स्टूडेंट्स वगैरह उसको शेयर करें तो मतलब सस्ता पड़ जाता है। अब चलते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटर की थोड़ी बैक साइड वाला एरिया, तो इस एरिया का नाम है डंडस, ऐसा थोड़ा दिखता है। तुम्हें साइड वगैरह पे घर वगैरह दिख रहे होंगे और बस स्टैंड वगैरह दिख रहे होंगे। यहाँ पे घर थोड़े पुराने हैं, यहाँ पे थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, कार्लिंगफोर्ड के बिल्कुल पीछे और पैरामीटर के भी पीछे। तो यहाँ पे जो रेंट रेंज है अराउंड 160-150 तक की भी पहुंच जाती है, बढ़िया घर होते हैं यहाँ पे भी। हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़े से पुराने होते हैं। तो भाई यहाँ पे हम मुड़ गए हैं पार्क रोड पे, डंडस एंड कार्लिंगफोर्ड के साथ वाला, इसको कहते हैं राइडलमेर। भाई राइडलमेर काफी बढ़िया एक एरिया है। तो राइडलमेर अभी दिख रहा होगा तुम्हें कैसा एरिया, यहाँ पे घर अच्छे घर बने हुए हैं प्रॉपर, वहाँ पे यहाँ पे घर बने होते हैं। पैरामीटर से बिल्कुल 10 मिनट दूर है, यहाँ से सिटी का एक्सेस भी बढ़िया। तुम्हारे पास बाइक है या फिर तुम बस से जा रहे हो तो सिटी का एक्सेस काफी बढ़िया है, 20 मिनट या 25 मिनट में सिटी तुम पहुंच सकते हो। स्टोर्स वगैरह ग्रोसरी शॉप्स की भी एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि इंडियन शॉप्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। वो भाई डॉगी बैठा साइड पे, बिल्कुल आगे से जाएंगे तो विक्टोरिया रोड अपनी आ जाएगी। फिर से एक्सेस आया था विक्टोरिया रोड का, राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो पूरा पैरामीटर आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं वहां से सारा सिटी का एक्सेस आता है, लेफ्ट हैंड साइड सीधा जाके सिटी जाती है, काफी कन्वीनियंट है। तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर तुम देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अभी अंदर ड्राइव तो कर नहीं पाएंगे, पैरामीटर में ज्यादा फोकस करना है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी तुम्हें दिखा दी थी भाई, यहाँ पे एंट्री हो गई है। तो ये यहाँ पे आगे जाके आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चर्च। लेफ्ट हैंड क्यों कर दिया यार, यार भाई ये तो कलोली होगी भाई मेरे साथ।
भाई ये है तुम्हारा सारा पैरामेटा का एरिया। स्टूडेंट्स में बहुत फेमस एक एरिया, बढ़िया अकोमोडेशन मिल जाती है, यूनिवर्सिटीज बहुत एक्सेसिबल है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी बहुत पास में है, रेस्टोरेंट्स, फूड, मतलब ये एक अनदर मतलब सीबीडी, इसको भी एक सिटी कहते हैं, पैरामेटा सिटी कहते हैं इसको, अनदर सिडनी सिटी की तरह ही एक ये भी एक सिटी है, बिकॉज लाइक यहाँ पे सब कुछ एक्सेसिबल है, इसको कह सकते हैं भाई एक और सिटी। राइट हैंड साइड वगैरह पे देख रहे हो सब वो फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं, लोगों के घर वगैरह बने हुए हैं। सुबह के टाइम पे इतना बढ़िया लगता होता ना ये यहाँ पे। पैरामेटा के अलावा अभी हम जाएंगे बॉकम हिल्स में। पैरामेटा तो मैंने चलो दिखाना ही दिखाना था तुम्हें, तो अभी स्क्रीन थोड़ी सी बेटर हुई है भाई, क्योंकि यार यहाँ पे मेरी स्क्रीन बहुत गंदी है। अबे यार इतना गंदा शील्ड हुई पड़ी है यार। इस एरिया को कहते हैं कासल हिल, कासल हिल, बॉकम हिल भाई। ये वाला एरिया जहाँ पे मैं सबसे पहले रहता था यहाँ पे सिडनी में आके, ये एरिया ऐसा कि मतलब यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, लाइक जो ऑथेंटिक बार वाली चीजें होती है, बार वाले एरिया होते हैं भाई, ये वो वाला एरिया। ये एक ऐसी जगह है जो मुझे मेरी दिल के बहुत करीब है यार, कि मेरी मेजर जड़ी स्ट्रगल है वो इसी एरिया में हुई है। ये एरिया जड़ी मैं जिदी मैं गल भी करता है अपने एक ब्लॉग के अंदर, मैं बात कर रहा था कि मेरी सारी स्ट्रगल वगैरह, मैं जितने क्लीनिंग वगैरह का काम करता था कितने होता है, वो यही जगह होती थी भाई, वो यही वाली वगैरह वो जगह होती थी जहाँ पे क्लीनिंग वगैरह का काम करते थे। ये एरिया बढ़िया क्यों है ते वो भी मैं दादा हिल एंड बॉकम हिल, ये बिल्कुल सिडनी के ब्लैक टाउन के एरिया के बिल्कुल पास में पड़ता है, पास में नहीं थोड़ा सा मतलब वहां से दूर है। यहाँ पे घर थोड़े सस्ते मिलते हैं, जो लोग वगैरह बात करते हैं कि हम वो अच्छे घर में रहते हैं या फिर जिनको सिंगल रूम मिल जाता है, फिर किसी के साथ शेयर वगैरह नहीं करना पड़ता, तो वो ऐसे एरिया वगैरह में आते हैं। अगर इन एरिया वगैरह में आते हो तुम्हें ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट इतना गारंटी है कि तुम्हें घर अच्छा मिल जाएगा, घर अच्छा मिल जाएगा, अफोर्डेबल मिल जाएगा। पार्किंग नहीं मिल रही भाजी, इधर नहीं मिल रही। ये एक साइड पे क्लब है का नाम है हिल साइड क्लब, मैं इधर बहुत आता था, मजे आते थे भाई यहाँ पे पूरे। ए, वो एरिया है जहाँ पे सब इंडियन सामान, ये वो मतलब देसियों का देसी एरिया भाई, ये कह सकते हैं ना जो सबसे ज्यादा देसी एरिया होगा, सारे इंडियन सारे पाकिस्तानी सब मिलेंगे भाई। इस एरिया का नाम है हैरिस पार्क, सारे जो भी तुम्हें रेस्टोरेंट दिखेंगे सारे के सारे इंडियन है भाई, एक भी कोई ऐसा नहीं दिखेगा जो देसी ना हो तुम्हें यहाँ पे, मतलब बहुत दिखते हैं बट यहाँ पे बहुत कम ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे कोई गोरा दिख जाए या फिर कोई औरत की दिख जाए, बट मेजोरिटी यहाँ पे भाई यहाँ पे सारे देसी बंदे हैं। कभी भी सिडनी आओगे तो इस एरिया में मतलब रेंट तुम्हारा तुम कह सकते हो डाउन से भी डाउन जा सकता है, तुम्हारा $90 वीक का भी रेंट जा सकता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया एरिया है। अगर तुम क्रेव करे हो कि तुम्हें कुछ इंडियन खाना है कुछ भी करना है तो हैरिस पार्क तुम्हारा एरिया भाई। देख लो अभी साइड साइड पे अभी अपने सारे देसी वगैरह। बहुत ज्यादा इधर आना पड़ना था मुझे, बहुत ज्यादा ही भूख लगी है क्योंकि मैंने दोपहर का कुछ नहीं खाया, कल रात को एग्जाम था और मैं पढ़ता रहा ते मैंने कुछ किया नहीं, आज अभी थोड़ा अंदर जाके खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे। इधर महाराज इधर पालन दे ड्राइव थ्रू ला लिए, ये हो गया कि आपा जाना जी ड्राइव थ्रू में। चल भाई निकल जा भाई मेरे, वो जा भी रे बंदा निकलता ही नहीं। ओ यार ओ मारना दे भरावा बिच, हला हला एक और आई। ओ यार तेरी कसर रह गई सी मामा। ओके इधरों आप रिवर्स कर लेने हैं, यहाँ से हम डाल लेते हैं अंदर, इधर चलते हैं। आ गया ड्राइव थ्रू, चलो जी महाराज। महाराज खाना की ये फारा ने देख लेना, उन्हें मैंने मार देना, फारा को मैकडोनल्ड बहुत पसंद है। Can I get a spicy chicken clubhouse meal? Crispy or grilled? Make it crispy, please, for me. Medium with stripes to drink? Make it medium, please. Yeah, anything else? Do you have any specials today?
We have the 24 nuggets for $9.95. We have the $1.50 hamburger. Let me see if there's anything else. Hamburger. Yeah, I'll get that. A hamburger, yeah. Anything else? Sorry. We also do McBites for $2. Is it like a good quantity in that? Sorry, I couldn't hear what you said, sorry. Sorry, is it like a good quantity in that? I think it's like 10 or 9 pieces. Actually, cancel the hamburger and I'll get the bites, please. Anything else? No, that's it, thank you. Sorry, free. Thank you. Jalabiba. Labiba ne order paata and hum yahan se kar lenge pick up. Ui, yaar. Yeah. Thank you. Do I wait at the next window? Yeah. नेक्स्ट विंडो पे वेट करनी पड़ती है वहां से पे कर दो हाय माय ओरा व्हाट एल्स आर यू वेटिंग फॉर आई डिडंट गेट माय रिसीट दैट आई डिडंट गेट माय रिसीट कैन आई गेट यू पॉप अराउंड द फ्रंट ऑफ द स्टोर टू वेटिंग बैक फॉर मी ऑलराइट नो वरीज उन्होंने कह दिया कि स्टोर के सामने वेट करो आप सामने चल जाओगे अरे भाई वेट कर लेंगे अपने ऑर्डर का भी ऑर्डर यहां पे आ जाएगा वो बाहर लेके आएंगे हम उन्हें खावांगे कोक तो पेगी मेरा फारा देख के पागल हो जाएगी फारा ने ब्लॉग देखा ना उसने मेरे को मैसेज करना हां वैसे है भाई अकेला खाने जाता ना पागल हो जाती हूँ दिमाग खराब हो जाता भाई उसका चार दिन बात नहीं करती मुझसे आजा थैंक यू आई गॉट माय ड्रिंक दैट्स नॉट माइन फ्री दी ड्रिंक दे जल्दी मेनू एक और मैं क्या दे दे उन्हें क्या उसने देख ली मेरी ड्रिंक कहती ये मैकडॉनल्ड्स में तब आता क्योंकि ये गलतियां बहुत करता है जो गलतियां करता फिर मेनू फ्री का मील मिल जाता फ्री का सामान खाओ ऐश करो करना तो नहीं चाहिए बट कदे कदे चलता इतने पार्क कर देंगे एंड हम अब खाएंगे मैकडॉनल्ड बाकी रैप अप करने के लिए मैं इतना कहूंगा जिसने भी आज एरिया देखे बहुत बढ़िया एरियाज है जाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे एरियाज है वो मेनली अगर तुम सिडनी यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जो भी इन यूनिवर्सिटी या फिर यूटीएस में आते हो तो सिटी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा रहने के लिए ग्लेब वगैरह पेयरमोंड या फिर तरी हिल्स यहाँ पे अच्छे घर मिल जाते हैं अराउंड $200 के मिल जाते हैं भाई वीकली के अगर मेरे जैसे जुगाड़ ला लो तो 170 या फिर 190 तक का भी मिल जाता है अगर तुम इन एरियाज में रहना चाहते हो अगर तुम थोड़ा चीपर घर चाहते हो और अपना पर्सनल रूम चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पैरामेटा कासल हिल बोकम हिल्स ये एरिया ज्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पे घर भी अच्छे मिल जाते हैं एंड रेंट भी थोड़ा बढ़िया होता है चीप होता है थोड़ा रेंट एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम इंडियन थोड़े सोसाइटी में रहो और यहाँ पे इंडियन शॉप वगैरह ज्यादा हो तो अभी मैंने वो हैरिस पार्क दिखा था वहां पे आ जाना एंड मैं आज थोड़ा गड्डी से बाहर मैं निकलिया है नहीं क्योंकि यार अपना ठंड बहुत हो रही है एक तो एंड GoPro वैसे भी अंधेरे में इतना रिकॉर्ड करता नहीं है वो तुमने देख लिया होगा बट थैंक यू सो मच सी यू नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना एंड बस बढ़िया कर देना मतलब अगे अगे फैलाओ एंड अगर 10,000 पहुंच गए चंगा फिर अगली बारी